आपकी जवाबदेही जनता के प्रति कानूनी जवाबदेही होनी चाहिए, मौखिक नहीं। अगर आपने काम नहीं किया और आप काम नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर क्या होना चाहिए? आप नरेगा मजदूर के लिए भी कह देते हो तेरा काम कम है, तेरे को काम का कम पैसा देंगे, तेरे पेनल्टी आएगी। तो सरकारी कर्मचारी अगर काम नहीं करता है तो उसके ऊपर क्या है? तो आज हम मांग कर रहे हैं कि इनकी जवाबदेही तय करो। अगर आप कहते हो कि इतने टाइम में ये काम होना चाहिए तो काम होना चाहिए, और वो नहीं होता है तो जुर्माने की सजा पेनल्टी कुछ तो उसके ऊपर होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो पटवारी के पास गए, आपने नामांकन की रिपोर्ट मांग ली, नहीं दी थी, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सामने आ जाओ, सामने वो मास्टर छोटी तनखा लेकर स्कूल में जाकर नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया, बस बस मास्टर जी के बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे लेकिन सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाएंगे, तो कैसे जवाबदेही आएगी? और ये जितने भी कर्मचारी जो काम करते हैं इनकी तनखा कौन देता है? कौन देता है तनखा? आप जो बैठे हो वो तनखा देते हैं, तो सब जो हर इंसान जो इस देश का नागरिक है वो जन्म से लेकर मरने तक टैक्स देता है और टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, उस खजाने में से इन कर्मचारियों के अधिकारियों की तनख्वाह दी जाती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा कि हम 3 साल से सरकार के पीछे पड़े हुए हैं कि आप इस कानून को पास क्यों नहीं कर रहे हो? केंद्र साहब ने कहा कि हम कर देंगे, बजट में कह दिया हम कर देंगे, दोबारा कह दिया, तिबारा कह दिया, और अब तो आखिरी मौका है क्योंकि अभी विधानसभा सत्र 19 तारीख को चलने वाला है। अगर इस सत्र में पास नहीं हुआ तो खर्चा होगा, तो हम कह रहे हैं सत्र से पहले इस सत्र में पास करो, ये जवाब के कानून पास करो, ताकि कर्मचारी अधिकारी के जवाब भी तय करो। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण बताता हूँ, इस जांच के माध्यम से राज्य सरकार का जो राजस्व है, जितना राजस्व इकट्ठा होता है पूरा का पूरा इस जांच रजिस्ट्रेशन 5,297 करोड़। आपका भी अगर आपके घर परिवार में कोई दारू पीता है तो यूँ समझ लो आप उसका